नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए खुल सकते हैं स्कूल। झारखंड में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहा तो अगले शैक्षणिक सत्र से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल सकते हैं। इनमें प्री प्राइमरी व प्राइमरी कक्षाएं भी शामिल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 1 अप्रैल से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है। इस पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूल इन कक्षाओं के लिए खुल सकेंगे। वर्तमान में प्राधिकरण ने 1 मार्च से कक्षा 8, 9 तथा 11वीं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की है। वहीं कक्षा 10 तथा 12वीं के लिए स्कूल पहले से खोल दिए गए हैं। प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। यह शर्त रखा गया है कि इस अवधि से पहले सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा सहायिकाओं का कोरोना टीकाकरण कर लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री के बयान पर विश्व हिंदू परिषद का पलटवार। आदिवासी समाज की श्रद्धा तोड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने उन पर जमकर हमला बोला है। वीएसपी का कहना है कि सोरेन का यह बयान वनवासी समाज की आस्था व विश्वास पर चोट पहुँचाने वाला है। वीएसपी इस गैर जिम्मेदाराना बयान की निंदा करती है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने अमर उजाला से कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वनवासी समाज को दिग्भ्रमित कर उनकी श्रद्धा को तोड़ने का पाप कर रहे हैं। उनका बयान देशभक्त और धर्मनिष्ठ वनवासी समाज की आस्था व विश्वास पर चोट पहुंचाने वाला है। देश में बढ़ते कोरोना केस देखकर अब झारखंड भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सिविल सर्जन को दिया निर्देश। देश के 4 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए झारखंड में भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर विदेश अथवा अन्य राज्यों से रांची एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच RT-PCR अथवा ट्रूनेट से कराने को कहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसे देखते हुए सभी जिलों में COVID-19 जाँच बढ़ाई जाए। सभी सिविल सर्जनों को लक्ष्य के अनुरूप सैंपल लेकर जांच कराने को कहा गया है। झारखंड में 65,000 पारा शिक्षकों को मिली खुशखबरी। BRP-CRP की भी झोली भरी। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अलावा BRP-CRP तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों व कर्मियों को 5,00,000 रुपए तक का बीमा होगा। उन्हें आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गठित कल्याण कोष सोसाइटी की पहली आम सभा की बैठक में इस पर आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अनुबंध शिक्षा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी हमारी सरकार गंभीर है। बैठक में शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने जानकारी दी कि इस नीति के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने तथा अस्थायी रूप से दिव्यांगता पर 5,00,000 रुपये की राशि की बीमा तथा अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2,50,000 तक की राशि का कवरेज दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए भी निविदा प्रकाशित कर दर निर्धारित के पश्चात राशि उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिए जाने का निर्देश दिया है। खबर है झारखंड के रांची से। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड के 10,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। कोयम्बटूर के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के PR का श्रम विभाग के साथ करार। झारखंड के 10,000 युवाओं को तमिलनाडु में नौकरी दी जाएगी। इसके लिए झारखंड के श्रम विभाग ने कोयम्बटूर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री KPR मिल के साथ मंगलवार को करार किया है। इसमें लड़कियों को प्राथमिकता दी जाएगी। करार के दौरान सांकेतिक तौर पर 10 युवतियों को ज्वाइनिंग भी दी गई। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचा रांची का उच्चतम तापमान। 3 दिन में 4 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार। रांची में न्यूनतम तापमान जहां अपने सामान्य स्तर पर पहुंच गया है, वहीं उच्चतम तापमान में लगातार इजाफा जारी है। पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस और उच्चतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसमें अब गिरावट होने के कोई आसार नहीं है। उन्होंने बताया कि रांची में अब सर्दी का यह आखिरी सप्ताह है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची में मौसम अपने सही समय पर बदल रहा है। अगले 1 सप्ताह तक रांची में गर्मी की दस्तक हो जाएगी। राज्यभर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक उच्चतम तापमान जमशेदपुर का 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान बोकारो का 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चाईबासा का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साहिबगंज का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा।
झारखंड में शिक्षकों की बहाली पर रोक, हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर। राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी गई है। कार्मिक विभाग ने महाधिवक्ता के परामर्श के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को रोक संबंधित पत्र भेज दिया। इससे इन जिलों में सभी विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इतिहास नागरिक विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई है। झारखंड में किसानों को ऋण माफी की हकीकत हैरान करने वाली है। 6.5 लाख किसानों को ऋण माफी का तोहफा देने का दावा कर रहे कृषि विभाग के पास इस मद में अब तक 54 भी नहीं पहुंची। कृषि विभाग को वित्त विभाग से पैसा मिलने का इंतजार है। राशि उपलब्ध होने के बाद किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। किसानों की ऋण माफी योजना में हो रही देरी के मद्देनजर अब कृषि विभाग ने 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ की राशि सरेंडर करने की योजना बनाई है। यह निर्णय वित्त वर्ष की समाप्ति को ध्यान में रखकर लिया गया है। झारखंड में ऋण माफी का यह हाल तब है जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव दोनों ही कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं और कांग्रेस किसानों के हित को लेकर देश भर में मुखर है। झारखंड में सबसे ज्यादा रांची में मिल रहे कोरोना संक्रमित, हर तरफ दिखती है लापरवाही। यह सही है कि झारखंड में कोरोना लगाम में है और 24 में से 20 जिलों में इक्का दुक्का मरीज ही मिल रहे हैं, परंतु बाकी 4 जिले में रांची, देवघर, जमशेदपुर और सरायकेला में नए मरीज मिले हैं। रांची में 21, पूर्वी सिंहभूम में 6, देवघर में 1 और सरायकेला में 3 नए संक्रमित मिले, तो रांची में 1 कोरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है। झारखंड में अब तक 54,45,000 से ज्यादा कोरोना संदिग्धों की सैंपल टेस्ट में 1,19,596 संक्रमित मिले हैं। वहीं 1,085 लोगों की मौत हुई। 1,18,058 लोगों ने कोरोना को परास्त कर दिया है। अभी भी राज्य में कोरोना के 453 एक्टिव केस हैं। लाह की खेती से लखपति बन रही है झारखंड की महिलाएं। 73,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला किसान लाह एवं लाह की खेती के जरिए बेहतर आजीविका की ओर अग्रसर हो रही है। महिलाएं अपने गांव में रहकर ही अच्छी आमदनी अर्जित कर राज्य में लाह उत्पादन के आंकड़ों में सकारात्मक बदलाव भी ला रही है। राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक प्रशिक्षण के जरिए ग्रामीण महिलाओं को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़कर आमदनी में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल से राज्य के 73,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को लाह की वैज्ञानिक खेती से जोड़ा गया है, जिनमें अधिसंख्य अति गरीब एवं सुदृढ़ क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण परिवार हैं। वर्ष 2020 में करीब 2000 मीट्रिक टन लाह का उत्पादन ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने में जुटे हैं, ताकि राज्य की ग्रामीण महिलाओं को वनोपज आधारित आजीविका से जोड़कर आमदनी बढ़ोतरी का कार्य हो सके। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और एक लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि हमें आत्मबल मिलते रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।